आज 15 सितंबर को जब स्कूल्स और दीगर तालीमी इदारे खुले हैं तो मैंने सुबह 8 बजे से तकरीबन कोई 3.5 घंटे तक 15 मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा किया, जिसमें सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी कॉलेजेस थे। स्कूल्स में निस्बतन जो तैयारी थी वो ज़्यादा बेहतर थी, और मुझे खुशी हुई कि डिस्ट्रिक्ट साउथ के जिन सरकारी स्कूल्स में मैंने आज विज़िट किया, वहाँ ना सिर्फ ये कि थर्मल गन गेट पे मौजूद थी, सैनिटाइज़र गेट पे मौजूद था, मास्क जो हैं वो गेट पे मौजूद थे कि अगर बच्चे ने मास्क नहीं पहना तो उनको मास्क भी फराहम किया जाए। जो क्लासरूम्स हैं वहाँ पर भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो किया जा रहा था, और बच्चों को फासले पर बिठाया गया था। टीचर्स ने भी मास्क पहने हुए थे। हाज़िरी भी निस्बतन, जो मैं तवक्को कर रहा था कि आज बहुत कम होगी, लेकिन कुछ स्कूलों में तो बहुत ज़्यादा थी और कुछ स्कूलों में ठीक थी, जो हमारी तवक्कोत के मुताबिक थी। अलबत्ता जो कॉलेजेस थे वहाँ थोड़ा सा मेरा ख़्याल है कि स्कूल्स के मुकाबले में तैयारी है मुझे कम नज़र आई, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में वहाँ पर भी ये जो कोताहियाँ या कमी जो मुझे नज़र आई है उसको हम दूर करें। मैं गुजारिश करूँगा एक मरतबा फिर वालदेन से कि जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं आज तो मुझे काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड लगे, लेकिन इसी तरह से उनको आइंदा भी भेजना है, और जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं कोशिश करें कि वो स्कूल आएँ, ताकि एक जो तालीम का एक सिलसिला हमारा मुनक़ता हुआ था उसको दोबारा कंटिन्यू कर सकें। ये इसी तरह विज़िट करने का सिलसिला मैं जारी रखूँगा, और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि बच्चों की सेहत के लिए जो भी इकदाम करने पड़े हम करें।